हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कौन सा पंप कितने इंच क्रेसिंग में चला जाता है और कौन सी क्रेसिंग में ही अपन कौन सा पंप डालें। तो इस विषय में मैं थोड़ा आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। मेरे पास जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी एक इंची टेप पड़ा है, तो मैं इसकी मदद से आपको पंप का साइज और क्रेसिंग का साइज नाप के दिखाऊंगा। और अभी फ्री हाल पर मेरे पास एक ये 4 इंच क्रेसिंग पड़ी है, तो मैं अभी सभी का आपको 1 बाय 1 चेक करके दिखाता हूँ और ये भी दिखाऊंगा कि कौन सा हमारी क्रेसिंग जो है कितने इंच के पंप में चली जाती है, कौन से मॉडल के पंप में चली जाती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरे पास ये 2 क्रेसिंग पड़ी हुई हैं। एक मेरे पास पड़ी हुई है ये 4 इंच की और एक पड़ी है ये 7 इंच की। तो मैं आपको इन दोनों को नाप के तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो मेरे पास बड़ी क्रेसिंग पड़ी है, ये जो पड़ी है ये मेरे पास 7 इंच की है, और ये जो छोटी वाली है ये हमारी 4 इंच की है। और अब मैं इसमें दिखाऊंगा कि आपका कौन सा पंप जो है, जैसे कि हमारा शुरू करते हैं हम 4 इंच क्रेसिंग में, तो जैसे कि हमारा ये 4 इंच क्रेसिंग है, इसमें हम V3 का पंप डाल सकते हैं। V3 का जो पंप आता है हमारा, और V4 में जाता है कि नहीं जाता, बहुत से लोगों का सवाल आया, मेरे पास कमेंट भी आया कि सर 4 इंची बोर में कौन सा पंप डालें हम। तो अभी मेरे पास एक प्रैक्टिकल के लिए पंप रखा है V4 का, और मैं आपको इसको डाल के दिखाता हूँ उसके अंदर। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये अब मेरे पास V4 का पंप है और मेरे पास ये 4 इंच की क्रेसिंग है। तो आप देख सकते हैं कि मैं अगर इसमें डालूँगा तो जाने को तो चला जाएगा ये, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत जाएगी। ये देखिए, ये क्रेसिंग तो अंदर चली गई है, लेकिन थोड़ी सी यही है कि बाद में फंसने का डर पंप को बना रहेगा। जैसे देख सकते हैं कि अगर मैं अभी सिर्फ केबिन गई है, अगर मैं इसमें रस्सा डालूंगा तो आगे चल के प्रॉब्लम आ सकती है, ऊपर रस्सा बंधेगा, पाइप रहेगा, तो फंसने का डर क्रेसिंग में रहेगा। ये देखिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम जा रही, बाकी पंप तो चला जाता है, जाने को चला जाएगा, लेकिन आगे चल के भविष्य में हो सकता है कभी पंप फंस सकता है। वैसे क्रेसिंग चली जाती है आसानी से, ये देखिए पूरी नीचे तक, लेकिन बीच में जगह एक भी नहीं है। ये देखिए, तो ये रहा दोस्तों पहला प्रैक्टिकल की 4 इंच क्रेसिंग में हमने V4 का पंप डाला। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ज़्यादातर ये होता है कि हम इस पे V3 का पंप आप आसानी से डाल सकते हैं 4 इंच क्रेसिंग में। उसके बाद आता है V4, तो V4 भी इसमें चला जाएगा भेजी जाग, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत जाएगी इसमें फंसने की। तो V4 को आप या तो 7 इंची, 6 इंची या फिर 5 इंच क्रेसिंग में डाल सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा V6 और V5 का पंप। तो V5 जो है ज़्यादातर हम लोगों के क्षेत्र में नहीं चलता है, तो V5 का पंप भी इसमें आसानी से आ जाएगा। और फिर बात करते हैं हम V6 की। तो V6 का जो पंप है वो 7 इंच क्रेसिंग के बाद सभी ऊपर क्रेसिंग में आ जाएगा। मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके भी दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये 7 इंच की क्रेसिंग पड़ी हुई है, अब मैं इसमें V6 पंप डाल के दिखाता हूँ। और प्रैक्टिकल करने से पहले दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आप जो मैं कह रहा हूँ आप समझ गए होंगे कि अपना जो 4 इंच की क्रेसिंग है उसमें V3 का पंप आप आसानी से डाल सकते हैं, V3 मॉडल। उसके बाद जो आता है हमारा V4 भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर आएगी, फंसने का डर रहेगा, बाकी जाने को चला जाएगा। उसके बाद आता है हमारा V5 के लिए आप 6 इंच क्रेसिंग ले सकते हैं। अभी मेरे पास फ्री हाल में 5 इंच ही है, सॉरी 7 इंच है, ये जो मेरी क्रेसिंग है 7 इंच की है, तो इसमें भी आ जाएगा। उसके बाद हमारा आता है V6 का पंप। V6 के पंप के लिए हमें चाहिए 7 इंच की क्रेसिंग, क्योंकि 6 इंच से थोड़ा कम हमारा पंप जो रहता है, तो इसमें आपका पंप आसानी से चला जाएगा। अभी मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखा दूंगा आपको कि V6 का पंप जो हमारा होता है वो 7 इंच क्रेसिंग में आसानी से चला जाता है। और फिर बात करेंगे दोस्तों V8 की, तो V8 के लिए हमें कम से कम 9 इंच या 10 इंच क्रेसिंग चाहिए, तो हमारा V8 का पंप जो है इस क्रेसिंग में आसानी से आ जाएगा। तो उसके लिए आपको चाहिए कम से कम 8 से 9 इंच की क्रेसिंग, यानी कहना चाहिए तो देखिए अभी ये इतनी चाहिए कम से कम, क्योंकि पंप जो रहेगा इतना रहेगा,
तो इतनी चाहिए तो आसानी से हमारा जो पंप है क्रेसिंग में आ सकता है। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ, एक ज़रूरी बात और, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल आपको ऑन पे ऑल पे कर ले। और चलिए मैं आपको अभी 7 इंची क्रेसिंग का प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, मेरे पास एक V6 का पुराना पंप रखा हुआ है जो कि 8 स्टेज में है। एक नीचे भी रखा हुआ है, ये टेक्समो का है, ये भी मेरे यहाँ रिपेयर होने के लिए आया था। और आप देख सकते हैं कि ये मेरी 7 इंच की क्रेसिंग है। अब मैं इसको इसमें डालता हूँ तो आप देख सकते हैं इसमें अंदर कितनी जगह बचती है, बहुत सी जगह बचती है और ये आसानी से पूरे पंप में चली जाती है। यही है दोस्तों, देख सकते हैं आप। तो आप 7 इंच की क्रेसिंग में V6 और आप छोटे से लेके बड़े तक सभी पंप डाल सकते हैं। और लास्ट में एक चीज़ मैं और आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा दोस्तों, कि आप जब भी कभी बोर कराएं अपने खेत में या घर में, अगर आपके पास थोड़ी मोड़ी खेती है या फ्यूचर में आप चाहते हैं कि मैं उससे अपने घर पर सिंचाई खेती की कर सकूँ, 4 बीघा 2 बीघा 3 बीघा जितनी भी आपकी खेती है ज़मीन है, तो आप हमेशा 7 इंची क्रेसिंग ही डलवाएं। तो उसमें आपको बेनिफिट ये मिलेगा दोस्तों कि आप पतले से पतला और V6 यानी ज़्यादातर कहने का ये मतलब ये रहता है कि सर हमें पानी चाहिए, तो पानी आपको मोटे पंप से ही मिलेगा क्योंकि मोटे पंप में ताकत रहती है। तो आप हमेशा 7 इंच क्रेसिंग ही डलवाएं बोरवेल वाले से, जब भी आप किसी से बोर करवाएं। तो इस चीज़ का ज़रूर विशेष ध्यान देना दोस्तों। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर अब मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, आई लव यू ऑल।